Assalamualaikum guys, welcome back to the UT show. और आज सब पागल हो गए. आज जब जो आप सब देख रहे होंगे भाई रूबा एक अलग ही अवतार में, मतलब मेहंदी शेहंदी लगाई हुई, क्या है ये मेहंदी लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है. राज ये कि हमारे ऑफिस पे हम करवा रहे हैं एक बंदे की शादी, ठीक है. तो उसकी शादी की खुशी में मेरे पूरे स्टाफ ने मेहंदी लगाई है, ठीक है. लेकिन उनके लिए लड़की अभी तक हमें नहीं मिली. तो भाई लेकिन लोग तो चाह रहे हैं उनकी शादी जल्द ही हो जाए. तो वो कौन है, कौन है? लारे. बजाओ बजाओ. मैं अपने बंदे घर से लाया हूँ. अच्छा भाई लारे बाप की पार्टनर कहाँ है यार जो आपके साथ होती है? यार वो पढ़ रही है और उनकी तबीयत भी सही नहीं है, तो वो थोड़े एग्जाम्स भी आने वाले हैं. यार बड़ी याद आ रही है मुझे, काश होती यहाँ पे वो, क्योंकि आपसे ज्यादा तो अच्छी वो है. बिल्कुल फैक्ट फैक्ट, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं. यार ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है. इतना ये कैमरे के पीछे तो इतनी इज्जत नहीं देता. यहाँ पे आगे कर रहे हो तो ऐसे करना, कैसे इज्जत दे रहा है मुझे. आप बिल्कुल ठीक बोल रही है. अब मैं भी इनसे आप करके बात करूंगी. बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा मेरी आवाज बैठी हुई है, ठीक है. ये मर्दाना आवाज ही चलेगी क्योंकि भाई आवाज बैठी हुई है मेरी. तो लारे हमारा जो ये जो शो का फॉर्मेट है ना, दी यूटी शो, वो ये है कि इस शो में ना दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है. और वही घिसा पिटा शो है, वही घिसी पिटी बातें हैं, मगर एक नहीं है. एक मेरा प्यारा और बेहतरीन सा दोस्त है. अल्लाह चेंज ही है. अल्लाह अल्लाह मगर मुझे जो है ना उन्होंने गन पॉइंट पे यहाँ बिठवाया. अरे मैं सबको ही बोलती हूँ, मैं तो पूरी ऑडियंस को बताती हूँ कि मेरे शो पे आपको सारे फारिग फालतू फारिग फालतू नहीं, लेकिन हाँ भाई मैं तो सबको ऐसे ही बुलाती हूँ. हाँ भाई ऐसे ही आते मेरे सारे दोस्त ही आते हैं शुरू में भी. दूसरा ये कि मुझे जो है ना गन पॉइंट पे भरम करा के यहाँ बिठवाया गया. मैंने हाँ हाँ मैंने टीटी दिखाई थी इसको, जो हमारे गार्ड के पास टीटी है ना, मैंने रखी. लारे यहाँ बैठ जाओ नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे. दुनिया के लिए टीटी और इनके लिए टीडी. अरे लोग पता ही बोल रहे मेरी हंसी बहुत अजीब है. मैं क्या करूं, मेरी हंसी है ही ऐसी, और मर्दाना आवाज भी तो और अजीब लग रही है. आप समझें कि तौफीक भाई इंटरव्यू ले रहे हैं. हां तौफीक भाई या तौफीक न्यू यू से नाम दो. उमर भाई इंटरव्यू ले रहे हैं. पहला सेगमेंट हमारा उसकी तरह हम चलते हैं इंटरव्यू लारे के साथ. ओके तो पहला सवाल है, तुम्हारी फर्स्ट जॉब, आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? मेरी फर्स्ट जॉब एक कॉल सेंटर में थी. अच्छा. और कॉल सेंटर में काम करने का रीज़न ये था कि ताकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स और वोकैबुलरी और अच्छी हो जाए. अच्छा. तो बस मेरा पहला जॉब टाइम पे थी. इट वाज बैक इन 2013 आई गेस 13 14 अंडर एज था तो मैं जॉब पे चले गया था. अंडर एज थे तो जॉब पे, मतलब अंडर एज को ले रहे थे उस टाइम पे. हाँ कोई इशू नहीं था. ओके नाइस सही है. तो कॉल सेंटर में मतलब तुम्हें मजा आया, उसके बाद तुमने चेंज कर दिया? हाँ जी बस मैंने एक साल एटलीस्ट कॉल सेंटर में जॉब किया और उसके बाद फिर मैंने स्किप कर दिया कहीं और फिर उसके बाद ज्वाइन. तो उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फिर गुलाम में ज्वाइन किया था. सही सही. तो मतलब उस टाइम पे तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे या फिर मतलब जस्ट नॉर्मल? हां मैं छोटा था. अच्छा खासा. अच्छा खासा छोटा. सबसे छोटा था. कोई वाले स्पाइक्स वाले? बिल्कुल बिल्कुल. इतना खट्टा था मुझे कोई देख ही नहीं सकता. अपने आप को देख के चिढ़ोती थी. अच्छा सच में. मगर उस वक्त के क्यूल बॉयज थे. हां उस वक्त तो क्यूल कहलाते थे, वो ईमो बॉयज कहलाते थे ना. सबसे ज्यादा. अच्छा यार ये तो सवाल बहुत होता है, जो पूछ भी लेती हूं कि सबसे ज्यादा इस फील्ड में जो तुम आए हो तो किसने सपोर्ट किया? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने, क्योंकि मुझे स्कूल के दोस्त नहीं पुराने ने रिकमेंड किया था कि उस वक्त म्यूजिकली ऐप थी कि लारे ये चीज़ तुम्हारे मतलब कि तुम्हें शौक भी है तो ट्राई इट, अच्छा हुआ तो छक्का लगे तो ठीक है वरना डिलीट कर देना. हाँ. तो बस फिर वो ऑफर से अम्मी ने भी इस तरह चीज़ पे मना नहीं करा क्योंकि पढ़ाई पूरी थी. तो वो इस तरह को मैंने को करिकुलर एक्टिविटी की हुई थी. तुमने अलहमदुल्ला पढ़ाई मेरी चल रही थी और तुम अर्निंग भी कर ही रहे थे. हाँ मतलब हल्का फुल्का सब चल रहा था, स्टेबिलिटी पे था. तो इसलिए घर वालों से यूं मुझे बताने का ऐसा डंडा नहीं था क्योंकि एक को करिकुलर एक्टिविटी ली हुई थी कि हाँ यार टाइम पास के लिए. सही मतलब टाइम पास के लिए. उस वक्त ना पता क्या था कि टाइम पास ही तुम्हारा टाइम एक फुल टाइम प्रोफेशन बन जाएगा. और लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त मैंने देखा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते आपकी इस चीज को. और तुम्हें तो खुद उन्होंने एडवाइस किया ना. मेरे को जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना, दे आर लाइक फैमिली, जिनको मैं बिल्कुल अपनी फैमिली दोस्त बोलता हूं. मगर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं. एंड देयर आर टू टर्म्स जिस पे डिग्रेड होता है आदमी, या तो वो हसद में डिग्रेड करते हैं या तो वो आपसे चिढ़ के आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, मोरल गिराने की कोशिश करते हैं. मैं बोलता हूं जो भी काम है ना वो काम है. इवन दो इफ आप रोड भी साफ कर रहे हो ना तो वो भी मेहनत ही कर रहे हो ना. काम तो है. काम तो हर किसी का काम है. एंड सबके काम की इज्जत होनी चाहिए. हां ये तो है.
भाई आप किसी का वो क्यों, आप किसी को लेट डाउन कर रहे हो, आप डीमोटिवेट कर रहे हो कि भाई ये काम ऐसा। एक तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें खुद जो है वो एडवाइस दिया, ये बड़ी बात होती है भाई। लोग नहीं एडवाइस, अच्छा एडवाइस देने के बाद भी सपोर्ट करना वो होता है। अगर तुम्हें सपोर्ट किया एडवाइस देने के बाद तो ये बड़ी बात है। मैंने जब नया नया म्यूजिकली पे अकाउंट बनाया था तो मैं मेरे दोस्त जो है ना एक दूसरे का मोबाइल लेके सब एक दूसरे को फॉलो करवाते थे कि लारे को फॉलो करो तो इन्होंने इस तरह कहां मिलते हैं ऐसे दोस्त, अरे खरीद के लाके दो मेरे को भाई। हमारे तो किसी ने पकड़ पकड़ के किसी से कुछ नहीं करवाया यार फॉलो, लेकिन नहीं सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बिल्कुल करता है। दूसरे सवाल की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि यार मुझे पहले ये बताओ कि सबसे ज्यादा फेम तुम्हें कहाँ से मिला, टिकटॉक या बोल? वैसे तो मुझे आंसर पता है तुम्हारा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम भी बताओ कि कहाँ से ज्यादा फेम मिला। यार मुझे बिल्कुल जो फैक्ट है आपका बिल्कुल चैनल से ही मिला मुझे, और बस उससे पहले जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज तक मैं लोगों को दिखता था, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे टिकटॉक से हाइप मिली या मुझे इंस्टाग्राम से मिली, मुझे बेसिकली मेरी प्रैंक कॉल से ज्यादा हाइप मिली, क्योंकि मैं पहले करता ही लाइव आके मैं हर टाइम अपना पास करता था। बट जब मैंने शो फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे था कि ये मैं ये चीज अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो मुझे आफ्टर 6 एपिसोड्स ऑफ जॉइनिंग बोल मुझे बूम मिल गया था मेरी प्रोफाइल पे, और अच्छा खासा मिला था। अच्छा उस टाइम पे मैंने भी देखा था, लेकिन ये था कि वो टाइम भी ऐसा था कि उस टाइम पे जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनको एक मिला है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे कोविड आया था, और कोविड के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो टीवी पे टाइम पास करने के लिए आई हुई थी, तो लोगों का पूरा रुझान उसके ऊपर था, और उस वक्त एक चीज हाइप पे थी, और अल्लाह मियां ने शायद मेरे लिए उस वक्त वक्त मुकर्रर किया हुआ था, तो मैं उस वक्त वहां पे गया और कैश हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका वक्त वक्त कहते ना वक्त वक्त की बात है भाई, और लक है, सबर किया मैंने, सबर किया लक है, लेकिन क्योंकि ये होता है कि आपके अंदर टैलेंट है, बट टैलेंट को जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वो आगे नहीं जा सकता, किसी एक का जरूर होता है एक हाथ। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि वो तो है कि टैलेंट को एक जरूर प्लेटफॉर्म मिलता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी के टैलेंट के लिए जरिया बनूं आगे पहुंचाने का, अगर तुम्हें इस तरह का मौका मिला? ऑब्वियसली तुम्हें मिला हुआ है मौका। देयर आर पीपल, मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे छोटे हैं और मैं उनकी प्रोफाइल्स देखता हूं, तो मेरी कोशिश होती है, देखिए अल्लाह की जात सबको आगे बढ़ाने वाली है, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से जितना पुश कर सकूं वो मैं करने की कोशिश करता हूं। दैट्स नाइस। मतलब ये होता है कि यार अगर आपको कहीं से पुश मिला है किसी चीज को लेके, तो फ्यूचर में आपको भी वो चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि यार मुझे अगर कहीं से ये एक चीज मिली है तो मुझे भी फ्यूचर में सामने वाले को प्रमोट करना है, और कब किसकी दुआ लग जाए पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, और आपका काम और आगे भी बढ़ सकता है, और सब अपने नसीब का कमाते हैं। मैं जितना पुश कर लूं, अगर उसने मुझसे ज्यादा कमाना हो ज्यादा कमाएगा, अगर मैंने उससे कम कमाना है। ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मतलब लाइक तो हमारे बाद आए हैं या हमसे पहले आए हैं, उन्होंने ज्यादा नाम नहीं कमाया वो चले गए, जो बाद में आए उन्होंने ज्यादा नाम कमा लिया और कहाँ कहाँ पहुंच गए, तो ये उनका लक है और उनकी मेहनत है, नसीब वही लक, नसीब और मेहनत भी है, क्योंकि अगर आपका नसीब है और सामने वाला मेहनत ना करे तो वो गिर जाता है जमीन पे। ये भी तो मैं हमने देखा है ना बहुत ज्यादा होते हुए लोगों के साथ। बोल पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोल पे काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव रहा है। टीम, प्रोडक्शन टीम सारे जितने, इवन तो जेनेटोरियल मेरी सबसे बहुत अच्छी बनती है, मेरी सबसे बहुत अच्छी बातचीत है, उन्होंने बहुत सिखाया भी है, बहुत ग्रूम भी किया है, तो मेरा बड़ा पॉजिटिव। अच्छा मैं वैसे तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मैं काफ़ी लोगों से सुनती हूँ जो आसपास में बैठती हूँ ना कम्युनिटी में और ये वो, एक तो खैर मेरा बैठना इतना होता भी नहीं हो पाता टाइम, बैठती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहा है, कुछ मिक्स रिव्यू देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव रहा है ये वो। मतलब तुम क्या कहना चाहोगे कि कहीं आपने काम किया है, आप उसकी उस जगह के बारे में अगर कुछ नेगेटिविटी है भी तो उस जगह उस बात को दबा दो या सबको बताते फिरो? देखिए मैं चैनल से रिलेटेड जितने लोग आए हैं उन सबको यहाँ पर वो अपनी बात को, मैं अब उनके उस पर बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म मिला, हम कुछ नहीं थे ठीक है, जो जो उस चैनल पे आए हैं उन सबको फेम भी मिला है, उन सबको काम भी मिला है, वो अच्छी जगह पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, बहुत जगहों के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, और उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक रीच मिली, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे 3 दिन लाइव आ रहे हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट। ना हम डायरेक्टर के बच्चे, ना हम किसी प्रोड्यूसर के बच्चे, ना हमारे अब्बू या रिश्तेदार बैक एंड से एक्टर्स हैं, पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, सारे बच्चों को उन्होंने किसी को सेलेक्ट करा, हाँ ठीक है फॉलोइंग सबकी थी आगे पीछे, बट सबको किया उन्होंने अपना लोहा खुद मनवाया। चैनल ने आपको जो एक जगह दी, उन्होंने आपको एक पुश दिया, उसके बाद आप आगे बढ़े, जहाँ से सीखो ना वहाँ की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी उनको आपकी ज़रूरत पड़े तो आपका फ़र्ज है और आपका ये हक है सबसे पहले आप उनके पास जाएं सारे काम छोड़ के, क्योंकि जब कोई नहीं था तो याद रखें वो था। तो बोल ने सबको दिया है,
और इस चीज़ को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता. अगर कोई करता है तो दे आर वेरी सेल्फिश लोग, सेल्फिश हैं उनका ये गरूर तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं. हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जैसे वहाँ पे काम करना नहीं पसंद. देखिए तो उनकी अपनी वो है ना, काम करना ना करना इटसेल्फ आपके ऊपर होता है. हाँ. कोई भी आपको आपको अगर मैं आपको बोलूंगा रूबा यहाँ पर आ जाओ आपको काम मिल रहा है, मैं आपको उंगली पकड़ के ये नहीं बोलूंगा जबरदस्ती करना है. आपके पास कल है, आप में इतना शऊर है, आप पढ़े लिखे हो, आपको नहीं सही लग रही आप छोड़ दो. अगर क्योंकि सबने किया है. देखें आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है. बिल्कुल, आप बुरे हैं तो आपके तो, सब बुरे. लेकिन वही बात आती है ना कि यार देखो कुछ लोग कहीं पे किसी के दिल में किसी चीज के लिए कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते बिकॉज कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो मे बी कम्फर्ट लेवल वो जाके चेंज हो जाता होगा. लेकिन जो लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए. बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है. और दूसरा ये कम्फर्ट, देखे मैं आपके पास आया हूँ ना मैं काम करने के लिए. अब फॉर इंस्टेंस आपकी पूरी टीम है, अब वो कोई भी बात कर रहे हो तो मेरा उसमें बात करने को बनता नहीं. मैं अपना काम करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ना उससे कंसर्न है ना उसको मुझसे कंसर्न है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो व्हेन यू आर लाइक दिस कि आप काम से काम आओ और घर चले जाओ, तो किस चीज का मसला है. ट्रू, ये भी एक बात है कि काम से काम रखो और ना किसी में ज्यादा पढ़ो ना किसी को ज्यादा पढ़ने दो अपने में. टेक योर जॉब एज योर जॉब. पर मैंने देखा है यार लोग ना जॉब को जॉब की तरह नहीं लेते. लोग समझते हैं कि नहीं अच्छा मेरे भी बड़े फ्रेंड सर्कल में बड़ा एक मशहूर है कि यार भाई यूरूबा ने तो अपने साथ जो लोग टीम रखी हुई है वो दोस्त रखी हुई है. ठीक है, दोस्तों की टीम रखी हुई है. बड़ा लोगों को प्रॉब्लम होता है कि दोस्त दोस्त है ये वो. मैं समझती हूँ भाई जिसको भी रखा है चाहे वो दोस्त हो चाहे वो बाहर वालों, जब तक वो हाईली प्रोफेशनल नहीं होगा ना आप उसके साथ वो बॉन्डिंग रख ही नहीं सकते. कितने दोस्त हैं ऐसे कि जिनके साथ मैं सोचती हूँ कि यार मैं कभी लाइफ में काम नहीं कर सकती इनके साथ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा वो एक नहीं मिल पाएगा, मूड नहीं मिल पाता ना. मैं आपको बताऊं आपकी एक बात, मैं आपको बताऊं बिल्कुल जेनेरिक होके कि एक तो माइंडसेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है. दूसरा ये कि सबसे बड़ी चीज जो मैं बताता हूँ ना, देखें एक तो मुखलिस दोस्त आपको मिले, और मुखलिस दोस्त वो होते हैं जिसको आपसे लालच ना हो. मुझे पता है कि मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं उनको मुझसे लालच नहीं है, उनको मतलब फेम कुछ भी नहीं है, 2% की मेरी फेम नहीं है, 2-4 लोग जानते हैं सिर्फ. मेरी कोशिश होती है मैं दोस्तों के साथ ही काम करूं. हाँ. क्योंकि मुझे पता है वो मुझे नहीं काटेंगे, मैं उनको नहीं काटूंगा. हुँ. क्योंकि वो मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं ना, उसको मुझसे मफाद है ना मुझे उससे मफाद है. हाँ, तो ये आपकी एक पॉजिटिव चीज है. अपने लोग जहाँ होते हैं ना बंदा कम्फर्ट ही नहीं, एटलीस्ट कम्फर्टेबल होता है. ये मैंने लाइफ में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है भाई लाइक पता ही है तुम्हें कि मैंने जिसके साथ काम किया वो मैंने उससे बहुत ये चीज़ सीखी कि अपने लोगों में जितना कम्फर्ट वो इंसान देखता था ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी भी थी. लोग बुरा कहते हैं अपने अपनों से दूर रहो, अपने बड़े काट के जाते हो. नहीं, अपने लोग बहुत मैटर करते हैं. कई जगहों पे दूसरे आपका नहीं सोचते, आपके अपने आपका सोचते हैं. ये बात है. इतने सब की आंखों में मुझे आंसू आते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर सैड म्यूजिक. खैर बोल वाली बात से कहीं हम निकल गए, लेकिन ये चीज तो है कि भाई अगर जहाँ काम करते हो वहाँ अगर कितना ही बुरा क्यों ना हो. मैंने आज तक कोई बुराई इसलिए देखी. देखिए अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा ऑब्वियस है कि अगला मुझसे बुरा करेगा. हाँ. अगर मैं जो भी है हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो उस काम की जगह पे इज्जत करना हमारा एक बेसिक राइट है, एथिक्स है होते हैं. तो अगर आप उससे बाहर निकलोगे तो चीज ऑब्वियस है कि अगला भी आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, आपसे गलत बात करेगा. आप उसको वो इतना वही ना दो कि आपसे कोई अगला बंदा जो है ना काम से हट के बात कर. सही बात है. और यार एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब मैं कहीं और जाके पिछली जगह की बुराई करूंगी ना, वो पता है क्या कहेंगे, ये इंसान तो मेरे सामने वहां की बुराई करके गया है तो यहाँ मेरे सामने बैठ के क्या काम करेगा. जो बंदा पिछले काम की बुराई करता था, सोचा आपके साथ काम करे, वो आपकी बुराई भी कभी चार जगह जाके करेगा. खैर हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बोल पे ऐसा कौन मिला जिसके लिए आपको आप ये बोल सकते हैं कि यार ये मेरा सच्चा दोस्त है. मतलब सच्चा दोस्त बोल से कौन मिला, एक इंसान के अलावा बताओ. मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती. नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे दोस्त मिले ना वाकई वो अगर देखे मैं सब सारे रिलेशन में होते हैं, दोस्ती यारी में होते हैं, बट और सब एक दूसरे कहीं ना कहीं बात नहीं. मैं वो नाम सुनना चाहती हूँ, एक सच्चा दोस्त की जो आपको बताए. हाँ, एक शाहताज, एक शैज के माशाल्लाह चार भाई हैं, और उसने पब्लिकली भी कहा है और उसके घर वालों के सामने के, और मैं उसका एक दोस्त हूँ, उसने अपने बेड साइड पे इतना बड़ा फ्रेम लगाया हुआ मेरा, तो उसने कहा है कि मेरा पांचवा भाई जो ना वो ला रही है. और शाहताज जो है उसको हमने एज अ बॉय शुरू से लिया है, तो मेरी पहली दोस्त ही शाहताज बनी थी चैनल पे. और मुझे जितना उसने सपोर्ट किया है उस शो में और साथ रहने में, वो किसी और ने नहीं किया. वो बड़ी जेन्युइन फ्रेंड रही है मेरे लिए. लड़ना अगर मुझ पर कुछ भी आ जाए तो वो ये दोनों जो है ना लड़ मर जाते हैं किसी के लिए. शायद और शाहताज, सही है. मतलब दो दोस्त हैं. देखिए सारे मेरे दोस्त हैं, मगर जो क्योंकि नए लोग बने थे
पीछे से मैं रबीका, माज, हुसैन सबको शुरू से जानता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ यार देखो सभी ये नए मिले और नए से ऐसे हो गए, वो एक फैमिली क्रिएट हो गई। सभी दोस्त होते हैं बट कुछ होते हैं जो खास दोस्त होते हैं, हाँ, लोगों को पता होता और है लोगों ने, मतलब इवन दो ये हमारे लिए इटसेल्फ बड़ी बात थी जब मैं और शायद और शादा जब एक ही टीम में होते थे तो बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। और जब वी पार्टेड वेज तो तकरीबन लाखों कमेंट थे के जेन्युइन बता रहा हूँ मैं हर प्लेटफॉर्म के मिला के शायद और लारे को एक साथ करो। तो शो पर 15 मिनट बात हुई थी कि ये इसका तरीका ये कि हम नहीं साथ कर सकते इनको, तो वो इतनी बॉन्ड स्ट्रांग हो गई थी और इतने मैसेजेस थे लोगों के, इतनी वीडियोस थी कि मैंने लगा हाँ यार वाकई लोगों को बहुत पसंद है साथ। ये चीज़ भी है और दूसरी चीज़ ये कि यार कुछ आपके सभी दोस्त होते हैं, सबसे आपकी अच्छी बात होती है और लोगों को पता भी होता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा खास होते हैं और वो रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सब दोस्त नहीं होते, मेरे अब्बू कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। Obviously, नहीं, जहाँ पे तुम जैसे तुम बोल रहे हो ना कि सब मेरे अच्छे दोस्त, बिल्कुल हाँ, मेरी सबसे, मेरा सबसे, यू नो मी फ्रॉम 5-6 years, इतने पुराने मुझे जानते हो, मेरी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात, उसी बात पे कह रही हूँ। हालांकि मुझे भी पता है कि यार हर बंदा तो हाँ आगे पीछे चलने वाला भी दोस्त नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारे तुम कह रहे हो ना बोल पे सारे अच्छे सब दोस्त सब मेरी सब। तो जब अगर सब अच्छे दोस्त है तो उन सब अच्छे दोस्तों में कोई 2-3 लोग तो खास होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि वो जब एक के साथ 24 घंटे साथ हो तो फिर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है उनसे। सही, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया सुनना चाह रही है, लारिप शादी कब करेगा? नहीं नहीं पूछ लूं गाइस, पूछ लूं, लारिप के भागते उड़ गए। जरनाब आपकी क्या लगती है, ये लोग सुनना चाहते हैं यार। यार मेरी अम्मी के बाद जरनाब मेरी सब कुछ लगती है, ठीक है, मेरी फैमिली, मेरी मॉम, ठीक है, तो जरनाब जो है ना वो मेरी छोटी दुनिया है और जरनाब उसका बहुत अहम हिस्सा है जो कि जिंदगी भर इंशाल्लाह कहीं जाए। ये लाइन मुझे कोई मार दे कि मेरी छोटी सी दुनिया और जरनाब पीछे सारे, और ये लड़का ब्लश कर रहा है, कसम खुदा की ये ब्लश कर रहे हैं यार। लेकिन जो उसने लाइन मारी है ना, अगर जरना हाँ नहीं आंसू आ गए यार, अल्लाह 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 क्राई आ गया पीछे, सब बैठे हुए रोने लग गए लारिफ के साथ कि हाय हाय। हाँ भाई आइडियल है ये बंदा तो, माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही तुम दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रखे। कोई शख्स जो फेक लगता है, देखें आजकल मैंने नोटिस करा है फेक लोग बनते हैं, जैसे मैंने जो चीज़ नोट करी, जो आजकल दोस्त बनते हैं ना, मैं दोस्त नहीं बोलता उनको, क्यों, क्योंकि कोई आता है वो अपने मफाद के लिए आता है, अगर आपने उसका मफाद पूरा कर लिया तो वो आपके साथ रहेगा, अगर आप नहीं कर पाया तो वो निकल जाएगा, तो टकरते रहते हैं। और मैं इस चीज़ में बहुत वीक हूँ और मैं सबसे ज़्यादा डस खाई है इस चीज़ में, मैं लोगों को जज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज लेना तो क्या पता अल्लाह को नागवार ना हो जाए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी नीयत अल्लाह ने देख ली, अल्लाह में उसको देख लेगा, तो मैं इस चीज़ से बड़ा डरता हूँ। बिल्कुल, तो मतलब तुम्हें ये होता है कि कोई शख्स जो फेक लगता है, मतलब तुम्हें सभी फेक लगते हैं? यार फेक नहीं लगते, मेरे को डर लगता है लोगों से, मैं बस अब क्योंकि इतनी छोटे खाई है ना, तो इतना नाजुक दिल का लड़का है, मैंने बहुत लिमिटेड अब कर लिया अपने आप को, मैं अब इतना सोशलाइज भी नहीं करता, बस अब क्योंकि वो एक जो एरा था ना एज का वो पूरा एंजॉय कर लिया अब। हां तो तुम अब क्या बुड्ढे हो गए? नहीं नहीं अब ये हो गए होंगे, बस जिम्मेदारी पूरी करनी है। हां नहीं मतलब मुझे लगा शायद तुम भी अभी 18 के ही हो ना। नहीं मैं 18 का नहीं। तुम 18 के नहीं? नहीं मैं 26 साल का। शिट लारे 18 का नहीं है गाइस, मैं टिकटॉकर हूं पर मैं 26 का हूं। अल्लाह मेरे दिल को बहुत ज्यादा जोर से ना धचका पहुंचा, लारे 18 का नहीं है, खैर कोई बात नहीं, क्लीन शेव करा लूं तो लगता हूं। अल्लाह कभी ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी आपके दोस्तों से लड़ाई हो, दोस्तों या कोई भी खास इंसान से लड़ाई हो? मेरी होता है, कुछ होता दोस्तों से, हाँ होते हैं, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, कुछ दोस्तों से हुई है, मगर ये कि अगर बहस होती है तो सॉर्ट आउट भी होती है, सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन हुआ है ना? हाँ हुआ है, इतने पीक लेवल पे भी हुआ है कि दोस्ती खत्म होने वाली सीन है तो सामने वाले ने फिर मुझसे माजरत कर ली, और अगर एक तुमने कभी माजरत नहीं की कभी किसी से? मैंने कभी किसी के, मेरा जमीर बड़ा मुतमईन है, मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की यार, गीबत नहीं, मैं जो हूँ मैं सामने हूँ, मैं बोल देता हूँ, मुझे किसी की चीज लगती है बोल देता हूँ, बुरी लगती है तो मैं फिर अपना नहीं, मतलब ऐसा कभी फील नहीं हो कि मैंने किसी का दिल दुखाया है कभी? जब नहीं, हाँ, लड़ाई में, हाँ, लड़ाई ऐसा हुआ है कि मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलत बात कर दी है तो मैं जाके फिर माजरत कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी पीछे हमने, क्योंकि ये मेरी मम्मा की टीचिंग है, क्योंकि मैंने भी ये शो पे होके, जैसे शो पे गेम खेल रहे होते तो मैं बड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत जज्बाती होकर खेलता हूँ, तो मैंने, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शायद मुझसे बड़ा है तो मैंने 2-3 दफा उसके ऊपर इस तरह शाउट किया तो वो स्क्रीन पे इतना बुरा लगा है, फिर अम्मी ने बोला कि बुरी बात है, तो फिर मैं इस चीज को देख के मैं माजरत कर लेता हूँ कि नहीं है मेरी गलती, हमने बोल दिया उसका दिल दुखाया तुमने, लेकिन मैंने कहा ये चीज मैंने देखी है, अच्छा सही, शॉर्ट टेंपर बहुत, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हो गई खेलता हूँ, मैं टाइम पास करने के लिए ज्यादा
यार होता है, कुछ लोग हर चीज, कुछ लोग चीजों को लेके, कुछ चीजों को नहीं, कुछ लोगों के अंदर ये चीज होती है कि वो हर चीज को लेके मैं कुछ करता हूं तो मैं इतना पैशनेट हो के करता हूं, मैं बोलता हूं फिर करो ही नहीं ना, रोजी हलाल करो, रोजी हलाल करो, वरना फायदा ही क्या, फायदा नहीं करके क्या फायदा, जब आप पैशनेट ही नहीं हो आप एक चीज को लेके तो उस काम को करने में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब सुकून नहीं मिलता इंसान को रात में सोते वक्त कि ओ शिट मैंने आज काम किया था, ये फील तो आना चाहिए। लास्ट सवाल दानिश, जो तुम्हारे सर हैं सर दानिश के लिए, तुम क्या फील करते हो? यार मैंने बहुत जगह बहुत इंटरव्यूज में कहा है, एक तो उनको आइडियलाइज बहुत करता हूँ, 2.5 साल से मेरा एक ही जो है ना मोबाइल पे लॉक स्क्रीन लगा हुआ है वो दानिश भाई के साथ ही लगा हुआ है, और मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है मैं उनको फुल टाइम कॉपी करता हूँ, जो भी चीज़ होती है अगर उन्होंने कोई शो में वार्डरोब पहना होता है नेक्स्ट टाइम मैंने पहना होता है, जिस सैलून में वो जाते हैं मैं वहीं जाता हूँ, जिस जिम में वो जाते हैं मैं वहाँ चले जाता हूँ, वो एक बहुत एक मेंटोर है मेरे लिए तो, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बहुत ग्रूम भी करा है, बहुत सारी चीज़ों पर डाटा भी है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मैं कहीं बहुत दो जगह जगह जो है इस 2 साल के टेन्योर में डगमगाया भी हूँ तो उन्होंने मुझे सीधे बात पर ऐसे निकाल के यूँ करा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, जो मैं अभी कुछ जहाँ मेरी ज़िंदगी आके रुकी है ना तो वो उनमें कहीं ना कहीं दानिश भाई का याद है कि ये तुम्हारे लिए सही है, जहाँ थे वो डगर ख़राब थी अब यू आर फाइन, तो वो और मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, और मेरे लिए इटसेल्फ वो इतनी बड़ी बात है, देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वो और वो इतने बड़े स्टार हैं, उनको मेरे वो मुझे नाम से जानते हैं, तो मेरे लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा सा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉय हूँ जिसको हल्के फुल्के लोग जानते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो अपने नाम से मुझे मुखातिब करते, छोटा दानिश तैमूर बोलते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो बड़ा एडलाइज करता हूँ क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा तो सबकी बहुत हटी थी। अबे यार क्यों हटी थी पता नहीं क्यों, हो सकता है सब चाह रहे हो कि हमें बोले छोटा दानिश, लड़कियों को भी चाह, लड़कियां भी चाह रही थी ये चीज़, पता नहीं इसको पता ही नहीं, इसको सब पता है पर इसको पता नहीं है, इसने बोलते बोलते पहले बात बोली और अब बोल रहे पता नहीं है, अजीब इंसान है, नहीं ऑब्वियस है ना यार, वो देखें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो शो में आए गए, हो गया कि उनकी मेरी एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि शो में भी मस्तियां मैं उनसे ज्यादा करता हूँ, और इस तरह होते तो कुछ लोग समझते हैं पता नहीं क्या है ऐसा भाई, कोई लारेब का क्या सीन है जो इस तरह जो है दानिश उनसे ही कर होता है, अब शायद वो एक वाइब मैच हो गई और लोगों को पसंद है, That is the reason. हाँ, maybe. वो आप किसी के साथ आपकी vibe match कर जाती है, कभी कभार बहुत अच्छे क्योंकि दो लोग हैं जिनकी शो में दानिश भाई सबसे ज्यादा जो है वो क्लोज रहे हैं, वो एक मैं और एक मां सफदर, तो वो हम जब हम दो साथ थे तो फिर तो वो बहुत ही हमें मस्तियां करते थे, अभी तो वो चले गए तो मैं अकेला रह गया हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया कभी कभार आपके दोस्त भी वो वाइब नहीं दे पाते जो आपको कोई और बंदा दे रहा होता है, आपका दिल होता है कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ मस्ती करें, उनके साथ बात करें, हालांकि आपके दोस्त नहीं है, बेस्ट चीज वो होती है कि इंसान आपको गलत पे गलत बोले सही पे सही बोले और आपकी इस्लाह करे, तो इसीलिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये मैटर बहुत करता है, तो इसी बात के साथ लारिब की मोटिवेशनल स्पीच के साथ, यार मोटिवेशनली मैं तो ऐसी बात करता हूं, नहीं नहीं मजाक कर रही, क्योंकि मुझे सब बोलते हैं मेरे थोड़े इंटरव्यूज बोरिंग होते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं यार देखो फन इटसेल्फ फनी तो हो जाता है, मगर एक चीज सवाल अगर हर चीज को मजाक में बना देंगे तो कोई आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेगा, ट्रू नहीं यार देखो आप इंसान हो हर वक्त तो फनी नहीं हो सकता, और बड़े कम मौके मिलते हैं, जैसे आपने बोल वाली बात करी तो अपनी ये बात बताने का लोगों के लिए कि जो लोग अभी आपको पोर्ट्रे कर रहे थे वैसे नहीं, हाँ मतलब और हर वक्त इंसान वैसा नहीं रह सकता, एक मूड नहीं होता, जैसे कभी कभार आप बहुत अच्छे मूड में होगे, कभी कभार आपका दिल ही नहीं चाहेगा बात करने का, और कभी कभार आपका दिल चाहेगा आमना बार बार पीछे से, और हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम है कि हमारे हम जो आजकल के बच्चे उन सबके मूड स्विंग्स बहुत है, हमारे भी है मेरे भी सबके है, हम ना तुम्हारे हैं, प्रोड्यूसर साहब टेंशन में यूं कर रहे हैं, कॉफी नहीं आ रही कहां से लाऊं, और वो मेहंदी खा चुकी है अपनी पूरी, नहीं नहीं यार मूड स्विंग्स देखो मैं कहती हूँ, वैसे तो हमें लगता है कि मूड स्विंग्स जो है वो लाइफ का हिस्सा है, अगर किसी के मूड स्विंग्स नहीं होते तो भाई आप इंसान नहीं हो, आप तो फिर वो रोबोट हो, रोबोट एक ही सिंप में चला जा रहा है भाई, मतलब अगर आपके कोई इमोशंस ही नहीं है तो आप इंसान कैसे, फिर तो आप इमोशन कुछ नहीं है भाई, कुछ तो इमोशन हो गया, अभी देखो जैसे बैठे बैठे हंसने लग गया, एकदम सीरियस हो गया, एकदम इमोशंस है, इंसान है तभी तो हमारा लीडर कैसा हो, आमना प्रोड्यूसर जैसा हो। यार इसी के साथ हम इस सेगमेंट को करते हैं एंड, और नेक्स्ट सेगमेंट में मैं लारिब की बैंड नहीं बजाने वाली क्योंकि मुझे पता है लारिब रो देगा, मुझे लारिब पूरा भरोसा है लारिब बहुत रोएगा। तो हम एंड करते हैं अपने इस इंटरव्यू को और नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है।